कार्यक्रम में? देखिए, अभी पिछले महीने की 16 तारीख को, 16 सितंबर को राजस्थान में पीटीटी की परीक्षाओं का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा डूंगर महाविद्यालय को नोडल महाविद्यालय के रूप में अधिकृत किया गया था और वो पीटीटी की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 5,60,000 बच्चों ने परीक्षा दी और 1,45,000 इसमें सीटें हैं। और पीटीटी की जो फोर ईयर की बीए बीएड और बीएससी बीएड है, उसमें करीब 1,89,000 बच्चे बैठे थे, उसका आज परिणाम घोषित किया गया है। और उसमें जो प्रथम बीएससी बीएड और बीए बीएड के जो 6 जो प्रतिभागी है, उनसे बातचीत की गई और 6 में से 4 हमारी बालिकाएं हैं। तो निश्चित रूप से जो बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है और हम सब भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, तो बालिकाओं ने बहुत ही अच्छा उसमें अपनी एक योग्यता का प्रदर्शन किया है। और ये एक ऐसी परीक्षा है जो शिक्षक बनने के लिए जो विद्यार्थी 12th के बाद परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसमें ये फोर ईयर बीए बीएड है, इसका आज परिणाम घोषित किया गया। मैंने तमाम विद्यार्थियों को जो इसमें सफल हुए हैं, जो टॉपर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और मैं समझता हूं कि इस परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थी अब आगामी समय में अपनी जो नियमित पढ़ाई है वो प्रारंभ करेंगे और तमाम जो नोडल कॉलेज है, जब भी काउंसलिंग का कार्य होगा, कॉलेज अलॉटमेंट का कार्य होगा, तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। जो संबंधित कॉलेज हैं, जो विद्यार्थियों को जो कॉलेज मिलेंगे, उन कॉलेजेस को भी हमने निर्देश दिए हैं कि जो विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स आदि का, फीस आदि का काम है, कोविड की इन परिस्थितियों में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से उन कॉलेजेस में नहीं जा सकते, ऑनलाइन फीस भरी जाए, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो चेकिंग का कार्य है वो भी किया जाए। तो निश्चित रूप से ये परिणाम आने से लाखों बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और जो टू ईयर बीएड है उसका परिणाम भी हम अति शीघ्र आने वाले दिनों में घोषित करेंगे। ये कोरोना को लेकर जन जागरण आज से बीकानेर में भी शुरू होगा, सरकार की जो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इसको कल शुरू किया था, देखिए का प्रोग्राम रहेगा क्या रहेगा? राजस्थान के संवेदनशील और सतर्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने राजस्थान में कोरोना की प्रारंभ होने के पहले दिन से राजस्थान का आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं। लेकिन तमाम परिस्थितियों प्रयासों के बावजूद कोरोना का जो प्रसार है वो लगातार बढ़ रहा है, लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर, 151वीं जयंती थी परसों, जयपुर से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की है। और जन आंदोलन इसलिए नाम दिया है सीएम साहब ने कि जब तक आम आदमी, राजस्थान का आम जन अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं होगा, सचेत नहीं रहेगा, तो कोरोना के प्रसार को हम नहीं रोक सकते। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने जन आंदोलन, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन कार्यक्रम शुरू किया है। सभी प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर के, प्रदेश में पहले सीएम साहब के सानिध्य में शुरू हुआ, अब जिलों में प्रभारी मंत्री, कल मैं चूरू जाकर के, चूरू में हमने प्रारंभ किया, आज हमारे बीकानेर जिले के प्रभारी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी बीकानेर आ रहे हैं। 4 बजे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसमें करीब 1 करोड़ जो मास्क है वो निःशुल्क प्रथम चरण में राजस्थान के जो 11 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कोविड का प्रसार है वहां वितरण किया जाएगा। और इसमें 6 विभागों को जोड़ा गया है, इसमें एनसीसी के, एनएसएस के या स्काउट और गाइड के, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के कैडेट्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, सब लोगों का सहयोग रहेगा। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो थीम है कि इसमें आम आदमी को जोड़ा जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ, सभी धर्मगुरुओं के साथ, सभी एनजीओज के साथ और समाज के हर वर्ग के साथ बैठ करके चर्चा की है और कोरोना को राजस्थान से भगाने के लिए इस जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो जन आंदोलन शुरू हुआ है, निश्चित रूप से राजस्थान का आम आदमी इसमें जुड़ेगा और आने वाले समय में हम राजस्थान से कोरोना को भगाने के लिए हमारे जो प्रयास है, हमारी सरकार के प्रयास है, वो आम जन के सहयोग से सफल होंगे। ठीक है।